हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विजय आज हम बात करेंगे एरेज ऑफ पॉइंटर्स की जानेंगे एरेज ऑफ पॉइंटर क्या है इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल वाली वीडियो में हमने पॉइंटर टू एन एरे पढ़ा था मैंने आपको बताया था वहाँ पर एरे ऑफ पॉइंटर्स के बारे में आप थोड़ा और डिटेल में जानेंगे एरे ऑफ पॉइंटर्स के बारे में ठीक है तो कल की वीडियो आज की वीडियो से टोटली रिलेटेड है वहाँ पर पहले वाली वीडियो देख ली आप कल वाली वीडियो देख लीजिएगा आई बटन पे लिंक फ्लैश हो रहा होगा अब हम बात करते हैं एरेज ऑफ पॉइंटर्स की जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है यहीं सेम पीडीएफ मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ मैं और ये पीडीएफ डी आपको हमारी गेटअप अकाउंट से मिल जाएगी और टेलीग्राम अकाउंट से मिल जाएगी आज हमारा टॉपिक है एरे ऑफ पॉइंटर्स अब एरे ऑफ पॉइंटर्स कहने का क्या मतलब है और उसका यूज कहाँ पर किया जाता है तो यहां पर देखिए एरे ऑफ पॉइंटर्स का मतलब क्या है कि आपके पास एक एरे है ठीक है एरे है जिसके हर एक एलिमेंट क्या है पॉइंटर है अब ये जो एरे है वो आपका वन डी एरे भी हो सकता है और टू डी एरे भी हो सकता है ठीक है अगर मैंने एक एरे बनाया जिसमें मेरे साइज दिया फाइव और ये क्या है मेरा पॉइंटर एरे ऑफ पॉइंटर्स है ठीक है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है मेरे पास कितने पॉइंटर हैं फाइव पॉइंटर्स हैं अगर मैं टू डायमेंशन एरे बना देता हूँ कोई एरे मैंने बनाया फाइव बाई फाइव का यहाँ पर क्या हुआ मेरे पास हर एक एलिमेंट में मतलब फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव एलिमेंट्स हैं और ये सबके सब क्या हैं पॉइंटर्स हैं मतलब मेरे पास टोटल कितने पॉइंटर्स हैं ट्वेंटी फाइव पॉइंटर्स हैं और ये ट्वेंटी फाइव पॉइंटर्स किसी भी चीज को पॉइंट आउट कर सकते हैं ठीक है वो एक एरे को भी पॉइंट आउट कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं इस तरीके से क्या कर सकता हूँ ट्वेंटी फाइव पॉइंटर्स क्रिएट कर सकता हूँ जो कि एक सिंगल एरे को या मल्टी नमेशन एरियो को पॉइंट आउट कर सकते हैं तो यहाँ पर आप यूजिबिलिटीज की देख सकते हैं तो किस तरह से बढ़ रही है ठीक है एर पॉइंटर्स की अब ये देखिए यहाँ पर इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे इनसेलाइज कैसे करेंगे वो सब चीज हम देखते हैं और किस तरह से एक्चुअली में ये काम करता है वो देखते हैं ठीक है ये तो थोड़ा कॉन्सेप्ट हो गया अब देखिए इनसेलाइज करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे इंट अगर आपका इंटीजर टाइप का पॉइंटर है अगर जो पॉइंटर है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को पॉइंट आउट करें तो आप लिखेंगे इंट फिर आप लगाएंगे एस्ट्रिक फिर आप कोई भी नेम दे सकते हैं जो भी आपको एरे को नेम देना है ए बी सी डी पी ए क्यू आर एल एम टी मैंने दिया पी टी पी टी फाइव तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर देखिए कल मैंने आपको बताया था इंट एस्टिक पी टी जब आप इस तरह से पैरेंसीज में इसको क्लोज कर देते हैं फिर बाहर से आप इस तरह से लिखते हैं फाइव इसमें इसमें क्या डिफरेंस है वो मैंने कल बताया था एक और बार बता देता हूँ ये क्या है एक एरे है पी टी नेम से जो कि क्या कर रहा है जिसका हर एक एलिमेंट क्या है पॉइंटर है और किस टाइप का पॉइंटर है इंटीजर टाइप का ये क्या कह रहा है यहां पर एक पॉइंटर है PT, जो कि पॉइंट आउट करेगा फाइव एलिमेंट के एरे को ठीक है जो कि किस टाइप टाइप का होंगे इंटीजर के काफ़ी सिंपल है है ठीक अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि मेरे पास एक पीटी नेम से एरे है जिसका हर एक एलिमेंट पॉइंटर है जो किस टाइप का पॉइंटर है इंटीजर टाइप का पॉइंटर है इसका एग्जांपल देखेंगे हम अभी अब यहाँ पर देखिए एक्चुअली में होता क्या है आपका सबसे पहले तो एक एरे क्रिएट होगा पाँच साइज का इसमें आपके पाँच साइज होंगे ठीक है इस तरीके से वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है ये सब के सब क्या होंगे पॉइंटर्स होंगे वो किसी ना किसी को यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे होंगे ठीक है लेट अस सपोज कीजिए मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पर स्टोर कराई है एरे के फॉर्म में ठीक है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है विजय ठीक है फिर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अजय ठीक है फिर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है रमेश रमेश ठीक है यहाँ पर मैंने लिखा है डेव और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कोई सा भी नेम लिख लीजिए मैंने लिख लिया सिया ठीक है ये मैंने नेम लिख लिया यहाँ पर चार तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास क्या है ये जो पॉइंटर है वो सबसे पहले एक विजय नाम के स्ट्रिंग को पॉइंट आउट कर रहा है ठीक है यहाँ पर ये भी क्या है एक्चुअली में एक एरे ही है वन डायमेंशन एरे है जिसमें मैंने विजय को स्टोर कराया है ठीक है फिर मैंने अजय को स्टोर कराया इसमें मैंने रमेश को इस तरह से मैंने डेव को इस तरह से मैंने सिया को यहाँ पर स्टोर कराया है ठीक है तो यहाँ पर अगर आप देखें अगर आप इसी चीज़ को टू डायमेंशन एरे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा वहाँ पर आपको टू डायमेंशन एरे क्रिएट करना पड़ेगा ठीक है और उसमें कुछ चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी जैसे आपने एरे क्रिएट किया ए नेम से लेट अस सपोज कीजिए आपने एरे क्रिएट किया नेम नेम से जिसमें आपने साइज़ दिया आपको पाँच एरे पाँच नेम सेव कराने से आपने पांच लिखा और फिर आप क्या करेंगे आप यहां पर ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे विजय में पाँच नेम है तो यहां पर आपने पाँच दे दिया तो यहां पर एक गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि रमेश में यहाँ पर उससे ज्यादा वर्ड है पांच से ज्यादा वर्ड ठीक है छः वर्ड ठीक है ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग यहाँ पर क्या करना पड़ेगा एक और लेंथ वैसे ज्यादा देनी पड़ेगी तो हमें यहाँ पर ये यह चीज ध्यान देनी पड़ती है कि सबसे जो मैक्सिमम आउटपुट अगर रमेश चंद्र जोशी होता तो यहां पर हमें और बड़ा साइज देना पड़ता तो ठीक है तो इस केस में क्या होता विजय को भी एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेट होती सिंपल सी बात है अगर मैं यहां पर फाइव बाई दस का बनाऊं क्योंकि मुझे यहां पर रमेश चंद्र जोशी यहां पर सेव करवाना है तो यहां पर क्या होगा पांच रो होंगी और दस कॉलम होंगी ठीक है अब विजय को सिर्फ पांच ही कॉलम चाहिए लिखने के लिए ठीक है बाकी के जो चार होंगे वो एक्स्ट्रा मिलेंगे इसको उसी तरह से डेव को भी डेव को सिर्फ तीन चाहिए बाकी के साथ जो मिलेंगे वो एक्स्ट्रा मिलेंगे ठीक है रमेश अपनी पूरी कॉलम्स को यूटिलाइज कर लेगा लेकिन बाकी जो होंगे वो अपनी कॉलम्स को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो यहां पर अगर आप देखें कि ये चीज को इंप्लीमेंट करने में मेरे क्या हो रहा है मेमोरी लॉस हो रहा है ठीक है मैं मेमोरी को अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहा हूँ ठीक है लेकिन हमारे इस केस में पॉइंटर केस में मुझे जितना चाहिए यहां पर चाहिए था मुझे छः का साइज यहां मुझे चाहिए पांच का साइज यहां मुझे चाहिए सात का साइज यहां मुझे चाहिए, चाहिए चार का साइज ठीक है यहां मुझे चाहिए पांच का साइज तो मैं ईजिली यहां पर ले पा रहा हूं अपने अकॉर्डिंग ठीक है और यहां पर मेमोरी भी लिखनी हो रही जितना मुझे चाहिए उतना मैं मिलूंगा ठीक है तो यहां पर देखिए ये फर्क हो जाता है जब आप पॉइंटर्स का यूज करते हैं तो आपकी जो मेमोरी होती है पहली एडवांटेज तो आपको यहीं मिल जाती है ठीक है इसी चीज़ को हम अपने एग्जाम्पल से देखने वाले हैं ठीक है आपको समझ में आ गया एरो पॉइंटर्स क्या है एरो पॉइंटर्स क्या है एरो पॉइंटर्स सिंपल कुछ नहीं है एक एरे है यहां पर हर एक एलिमेंट पॉइंटर है जो कि एक स्पेसिफिक वैल्यू को पॉइंट आउट करेगा ठीक है तो यहां पर देख रहे होंगे अब यहां पर मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं यहां पर मैंने एक पॉइंटर वाला एरे लिया है ठीक है और यहां पर मैंने टू डायमेंशनल एरे लिया है ठीक है यहां पर देखिए मैंने क्या किया है एक एरे लिया है पॉइंटर टाइप का ठीक है जिसका हर एक एलिमेंट पॉइंटर होगा जो कि विजय अजय रमेश डे और रोहन जैसे वैल्यूज को पॉइंट आउट करेगा यहाँ पर किस तरह से होगा देखिए मैंने जैसे आपको बताया था एग्जाम्पल में भी विजय इस तरह से लिखा होगा फिर यहां पर अजय लिखा होगा ठीक है फिर इस तरीके से रमेश देव और रोहन तो यहां पर जो नेम जीरो है नेम जीरो वो किसको पॉइंट आउट करेगा विजय को पॉइंट आउट करेगा नेम आपका वन जो किसको पॉइंट आउट करेगा अजय को पॉइंट आउट करेगा ऐसे ही नेम टू रोहन को थ्री डेव को और यहां पर फोर किसको करेगा रोहन को करेगा तो वही चीज करवा रहा हूँ मैं नेम जीरो के नेम जीरो की तीसरी पोजिशन तीसरी पोजिशन में क्या है जीरो वन टू थ्री ए ए प्रिंट होगा यहाँ पर पहले के इसमें फिर आई की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होगी तो आई वन ए में फिर से वही थर्ड पोजिशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजिशन जीरो वन टू थ्री थ्री में क्या है वाई है वाई प्रिंट होगा फिर इसी तरह से रमेश में भी डे में भी और रोहन में भी वैल्यू आपकी प्रिंट होकर आएंगी ठीक है क्लियर कर देता हूँ इसको यहाँ पर इसको रन करता हूँ तो कुछ वार्निंग हमें यहाँ पर दिखा रहा है इसको हम इग्नोर कर देंगे यहाँ पर हम आउटपुट देखेंगे अपना ए वाई ई ए ठीक है और यहाँ पर डेव का आउटपुट नहीं आया क्योंकि डेव में तीन से ज़्यादा थे ही नहीं ठीक है सिर्फ तीन नेम थे तो जीरो पोजिशन पर डी सेव होगा वन पे ई और टू पे वी तो थर्ड यहाँ पर होगा ही नहीं इसको मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ सेकेंड वाले प्रोग्राम को रन करते हैं अब देखिए सेकेंड वाले प्रोग्राम को मैं मुझे यहाँ पर साइज देखना पड़ेगा अगर मैं यहाँ पाँच लिख देता हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे एक एरर देखने को मिलेगा यहाँ पर एरर एरर क्यों है क्योंकि यहाँ पर रमेश में कितने वर्ड हैं सिक्स वर्ड हैं तो मतलब मुझे एटलीस्ट सेवन तो देना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सेवन मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा तभी मेरा इजिली काम कर पाएगा वन ये मेरे को एरर दे देगा अब देखिए उसमें इसी में जो मैंने यहाँ पर ऑपरेशन कराया सेम ऑपरेशन यहाँ पर करवाया सेम आउटपुट मुझे यहाँ पर मिला है दोनों ही केस में ठीक है तो आज की वीडियो में आपने जाना है एरिया पॉइंटर्स के बारे में तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू वॉचिंग गुड बाय टेक केयर